नमस्कार, मैं जगन्नाथ कुमार और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज एक्सप्रेस। आइए देखते हैं क्या है आज की खास खबरें। कोरोना के कारण पूरे देश में लॉकडाउन है। इस दौरान देश में यातायात के सभी साधन पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं, जिसको लेकर अपने घर से दूर मजदूरी कर रहे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। दूर दराज के मजदूर पैदल ही अपने घर का रास्ता नाप रहे हैं। आलम यह है कि हाथों में बैग लिए, भूखे पेट और पैरों में छाले पड़ने के बावजूद भी ये अपने घर की तरफ पैदल चलते जा रहे हैं। पूर्णिया में काम करने वाले 3 मजदूर शुक्रवार के दिन अपने 6 दिनों की पैदल यात्रा कर सिवान पहुंचे। ये 3 मजदूर को लखनऊ जाना है। ये सभी लखनऊ के मलिहाबाद निवासी रामाश्रय प्रसाद के पुत्र सुनील कुमार और अनिल कुमार एवं मोहम्मद गुड्डू के पुत्र मोहम्मद यूसुफ है। मीडिया से बात करते ही इनकी आंखों में आंसू आ गए। पूर्णिया से अपने घर लखनऊ पैदल निकले मजदूरों से जब बात करने की कोशिश की गई तो इनकी आंखों में आंसू आ गए। उनकी बातों से दर्द झलक रहा था। उन्होंने बताया कि भूख भी लगी है, पैरों में छाले भी पड़े हैं, लेकिन घर जाना जरूरी है क्योंकि जहां मजदूरी करते हैं वहां काम बंद है, पैसे नहीं है कुछ खाने के लिए, इसलिए घर भी जाना है। वहीं डीएवी मोड़ पर खड़े मजिस्ट्रेट चंदन कुमार ने जब इन मजदूरों को देखा तो बिना देर किए इन मजदूरों के लिए बिस्किट के पैकेट, पानी की बोतल और भुजा की व्यवस्था कराई। कहाँ से आ रहे हैं हम लोग? पूर्णिया से। पैदल ही आ रहे हैं लोग? पैदल। कितने दिन में सिवान पहुँचे हैं लोग? 6 दिन लगे अब। क्या क्या दिक्कतें हो रही है? बहुत दिक्कत है, भूख भी है, कोई साधन नहीं चल रहा है, पैदल चलते चलते थक गए हैं, पैर में छाले बंधे पड़े हैं। क्या करते थे पूर्णिया में? पूर्णिया में साहब मजदूरी करते थे। कहाँ जाना है आपको? लखनऊ जाना है। हाँ, इनको देखा गया है। सबसे पहले तो इनको जो जो खाना खा सकते थे अभी जो अवेलेबल है वो हमारे तरफ से दिया गया है और इनको व्यवस्था किया जा रहा है। अगर ये रुकना चाहते हैं तो यहाँ बगल में स्कूल है, हम लोग कोशिश करेंगे कि इनको आज रात भर या स्टे करने का, क्योंकि इनके पैर में छाले हैं और तकलीफ मानवता के नाते जो है हमको भी महसूस हो रही है क्योंकि बहुत दूर से आए हैं और भगवान करे कि ये अपने जगह पे गंतव्य जगह पे पहुंच जाए। लेकिन अगर ये रुकना चाहेंगे तो हम लोग व्यवस्था करने की कोशिश करेंगे। कुछ सहयोग भी किया गया सर? सहयोग जो भी हमसे हो पाया, जो अभी अवेलेबल खाने पीने का हम दिया गया और कोशिश करेंगे कि।